नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल AB टेक में और मैं हूं ब्रजेन। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्मी स्कूल TGT PGT PRT 2019 के एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं, उसके बारे में कैसे आप लोग डाउनलोड कर रहा है। सीटेट दिसंबर 2019 के ऑनलाइन करेक्शन फॉर्म भी आ चुकी हैं, कैसे करना है वो आपको बता देता हूँ। इसके अलावा UP SSSC लोअर PCS 2019 की अभी 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को पेपर हुआ था, उसकी ऑफिशियल आंसर की जारी हो गई है। कैसे आंसर की आपको डाउनलोड करना है, कैसे इसमें आपको ऑब्जेक्शंस करना है वो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों PCS मेंस 2018 और बिहार कांस्टेबल ये सब भर्ती आई हुई है, उसके बारे में छोटी सी अपडेट आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो दोस्तों ये सारी चीज़ों के नोटिफिकेशन देखने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर आना पड़ेगा। तो गूगल में आपको डालना है governmentjobcenter.com, गवर्नमेंट ठीक है, इसके बाद jobcenter.com। जैसे ये डाल देंगे इसके बाद सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर जो वेबसाइट आएगी गवर्नमेंट जॉब सेंटर, ये वेबसाइट पे जाना है आपको इस पे ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको पूरा ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पर आएंगे तो नीचे काफ़ी सारे लिंक दिए गए, यहाँ पे आना है। तो देखिए सबसे पहले अगर आपको UP PSS मेंस 2018 का एडमिट कार्ड डाउनलोड करना तो यहाँ पर जाना है, और यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका ऑफिशियल जो पेज है वो खुल जाएगा इसका। यहाँ पर अब नीचे लिंक दिया गया डाउनलोड मेंस एडमिट कार्ड, इस पर क्लिक कर देना है, आप डायरेक्टली वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे, वहाँ से आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है। अब सीटेट 2019 का जो फॉर्म उसमें करेक्शन करना है तो उसके लिए आपको ये राइट साइड में लिंक दिया गया, यहाँ पर क्लिक करना है सीटेट ऑनलाइन करेक्शन एडिट फॉर्म 2019, इस पर क्लिक कर देंगे तो इसके भी पूरा पेज खुल जाएगा। यहाँ नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, देख पा रहे होंगे ऑनलाइन करेक्शन एडिट फॉर्म, इस पर क्लिक कर देना है तो आप यहाँ पे ऑफिशियल साइट पर पहुँच जाएंगे सीटेट की। यहाँ से आपको लॉगिन करना है राइट साइड में ठीक है, और ये कैप्चा कोड डालना है, साइन इन कर देना। तो यहाँ से करेंगे तो पूरा फॉर्म आपका खुल जाएगा, जो चीज़ करेक्शन करना चाहते हैं यहाँ से आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। इसके अलावा आर्मी स्कूल TGT PGT PRT का एडमिट कार्ड डाउनलोड करना तो यहाँ पे लिंक को क्लिक करना है, जैसे इस पर क्लिक कर देंगे नया पेज ओपन हो जाएगा। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर भी लिंक दिया गया है डाउनलोड आर्मी स्कूल एडमिट कार्ड ठीक है, क्लिक हियर कर देना है तो यहाँ पे आप ऑफिशियल पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर देना है, तो यहाँ से आप लोग इसमें एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है। इसके अलावा अब बिहार पुलिस में 11,000 कांस्टेबल की भर्ती आई हुई है, उसके लिए आपको इस लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे सारी डिटेल्स लिखी हुई है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं मांगा गया है। इंटर पास कैंडिडेट हैं उसमें आवेदन कर सकता है ठीक है। लास्ट शुरुआती डेट कल 5 अक्टूबर से इसके फॉर्म शुरू हो रहे हैं, 4 नवम्बर इसकी लास्ट डेट है। जनरल OBC EWS के लिए 450 रुपये फीस है, SC ST PH के लिए 112 रुपये की फीस है। ऑल इंडिया कोई भी बिहार कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक कलेक्टिव हो जाएगा, यहाँ से आप लोग ऑनलाइन आवेदन भी कर पाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट के लिए नीचे लिंक दिया गया है ठीक है। इसके अलावा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको UP SSSC लोअर PCS के जो आंसर की आई हुई है उसका लिंक मिल जाएगा ठीक है। यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपका पेज नया खुलेगा, यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं। अब आपको नीचे आने के लिए नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा है डाउनलोड आंसर की PDF ऑल सेट्स ठीक है, तो यहाँ से क्लिक करके आप इसकी आंसर के डाउनलोड कर सकते हैं सभी सेट इसमें दिए गए PDF फॉर्म में। वैसे आप वेबसाइट पर जाएंगे तो वेबसाइट पर जाने के लिए वेबसाइट से डाउनलोड करना है तो यहाँ नीचे वाले लिंक पर क्लिक करना पड़ेगा ऑनलाइन ऑब्जेक्शन में, यहाँ से आप आंसर की भी डाउनलोड कर पाएंगे और ऑब्जेक्शंस भी कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तभी आंसर की डाउनलोड कर पाएंगे, ऑब्जेक्शन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, इस पर ऑफिशियल साइट ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपको यूजर आईडी डालना है, इसके बाद पासवर्ड डालना है, इसके बाद ये कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ से आपको नीचे लॉगिन लिखा होगा, लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आप लोग पूरा फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हैं, मतलब जो आपके आंसर की डाउनलोड भी कर सकते हैं और आपका ऑब्जेक्शंस भी रेज कर सकते हैं ठीक है। तो जैसे इस लॉगिन को क्लिक कर दें आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा, वहां से आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरी कंप्लीट डिटेल्स थी इस वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।
वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।